नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी। कलेक्ट्रेट के वार्षिक निरीक्षण के लिए आज मुरादाबाद कमिश्नर आज नन्हे कुमार बिजनौर पहुंचे और कमिश्नर अजन्य कुमार सिंह के द्वारा कलेक्ट्रेट में नवनिर्मित जिला खनिज कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया और वार्षिक निरीक्षण के दौरान कमिश्नर कलेक्ट्रेट स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। दरअसल कमिश्नर को अपने जनपदों के कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण मार्च माह में करना होता है, उसी को लेकर के आज कमिश्नर मुरादाबाद आज नियर कुमार सिंह बिजनौर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले एक स्कूल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और नवनिर्मित जिला खनिज कमांड सेंटर का उद्घाटन किया और कलेक्ट्रेट में बने स्ट्रांग रूम से जाकर अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में जानकारी हासिल की। कमिश्नर ने बताया कि मंडल के जनपदों में स्थित कलेक्ट्रेट का वार्षिक निरीक्षण करना होता है, उसी को लेकर के आज उनके द्वारा 5 जनपदों सहित बिजनौर जनपद के कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया गया है। देखिए, हम लोगों को वार्षिक निरीक्षण करना होता है कमिश्नर को हर एक कलेक्ट्रेट का। ये 5वां कलेक्ट्रेट है जिसका निरीक्षण करना है। एक फॉर्मल हम लोगों का हर मार्च में कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के अंदर करना होता है। बेसिकली चूँकि मैं वीकली भी रिव्यू करता रहता हूँ ऑनलाइन और मंडली समीक्षा होती है, तो आंकड़ों के मामले में मुझे कोई हर एक आंकड़े पता है, कौन कहाँ पीछे आगे है वो सब पता है, उसमें समस्या नहीं है। बस हमें रख रखाव चीज़ों का देखना है। ज़्यादातर कलेक्ट्रेट में कहीं न कहीं निर्माण कार्य चला, जैसे आप बिजनौर में देखेंगे तो यहाँ पे भी पुराने भवन को डिमोलिश करके नए भवन के निर्माण कार्य की का प्रपोजल ऑलरेडी पेंडिंग है, प्रक्रिया चल रही है। तो जो हमारा बेसिक फोकस है वो डॉक्यूमेंट्स के रखरखाव का है। बहुत संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स से हम डील करते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है पब्लिक की सहूलियत, कि हम पब्लिक के अनुसार सर्विसेज दे पाने की कंडीशन में हैं कि नहीं है, उनकी समस्याओं का समाधान हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मोटा मोटी जो भी निर्देश है मैंने दे दिए, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कई सारे मामलों में जो मैं समीक्षा करता रहा हूँ उसमें भी बिजनौर बेहतर है, कुछ में बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। मैं अगर 5 जनपदों की देखूँ तो 5 जनपद मंडल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारा मंडल प्रदेश में हर एक मामले में अगर आप देखेंगे तो अंडर 5 है, कहीं कहीं सबसे बेहतर है। तो इसलिए हमारा कंपटीशन खुद से है, मंडल का मंडल से है और हर एक जनपद का अपने से है कि हम पीछे कहाँ पे पीछे हैं उसको हम आगे करें। कुछ मामलों में बिजनौर पहले पायदान पे है, तो कुछ में अमरोहा है, कुछ में मुरादाबाद है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट का जो कंपैरिजन है उसका पहले से अपने आप के परफॉर्मेंस से है और दूसरा पब्लिक की अपेक्षाओं पर खड़े उतरना है। आपने एक स्कूल का विजिट भी किया है उसके बारे में। स्कूलों में आमतौर पर हम जो शासन के द्वारा निर्देश है उसके अनुरूप जो सुविधाएं हैं बेसिक मिनिमम सुविधाएं वो विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्कूल मैंने देखा वो बहुत बेहतर कंडीशन में है, सारे ही पैरामीटर्स पे ठीक है। लाइब्रेरी और लैब भी वहाँ एस्टेब्लिश किया गया है और वहाँ पर ग्राम प्रधान के द्वारा भी इनिशिएटिव लिया गया है। बच्चे भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और टीचर्स भी वहाँ पे अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हमारे मंडल के हर एक जनपद में हर एक विद्यालय उसी तरीके का बेहतर हो। बिजनौर इस मामले में आगे रहा है कि उसने सभी जगहों पर चारदीवारी पर, स्कूलों की चारदीवारी पर कार्य शुरू कर दिया है और लगभग कंप्लीट करने के स्थिति में है। स्कूलों के मामले में बिजनौर ने बहुत बेहतर किया है और हमारे पूरे मंडल ने भी काफ़ी अच्छा किया। बिजनौर ने हर कई सारे क्षेत्र में ग्रामीण विकास के पैरामीटर्स पे बहुत तेज़ प्रगति की है, वो उसका एक उदाहरण है। कई सारी चीज़ें और बिजनौर की जो संभावनाएं उनको हम उन पर बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे यहाँ का हैंडीक्राफ्ट आइटम हो, चाहे यहाँ का कल्चर हो, चाहे यहाँ की हिस्ट्री हो, चाहे यहाँ के पर्यटन की सुविधाएं हो, हर एक चीज़ पे कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका स्वरूप बदला हुआ। सर, खनिज कमांड का भी आपने उद्घाटन किया है, क्या है हमारे लिए जो खनन का क्षेत्र है आप जानते हैं बहुत ही संवेदनशील मसला है और हमारे मंडल में खनन के पहले से भी अपॉर्चुनिटीज़ रही हैं, वहाँ पर काम भी होता रहा है और शिकायतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी लाने की तरफ शासन ने कदम बढ़ाया है और उसका नतीजा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया है। अभी बहुत कुछ आगे होना है। एनफोर्समेंट के थ्रू हर एक तरीके से हम कमिटेड हैं कि अवैध खनन को कहीं से भी प्रोत्साहित नहीं होने देंगे और जो खनन का होगा वो पैरामीटर के अनुरूप होगा, लोगों की सहूलियत और जो पर्यावरण दोनों में एक बैलेंस बना के।